हेलो फ्रेंड्स, केडीएम क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत। मैं कमल सिंह चौहान और अब आपको आज पढ़ाने वाला हूं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रे ऑफ वॉल्यूम। समझने की बात कर, कोई बात जो होगी वो क्या होगी कि हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है स्प्रे वॉल्यूम का। स्प्रे वॉल्यूम क्या, हम जो खेत में जो फार्मर जो स्प्रे करता है वो कितना वॉल्यूम स्प्रे कर सकता है, उसकी क्या डोज होती है, वो कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकता है। तो हम स्प्रे जो करते हैं वो तीन टाइप से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक फार्मर की बात करें, हम चाहें तो HVS, LVS या ULVS के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। या HVS की बात करूं, हाई वॉल्यूम स्प्रे, हाई वॉल्यूम। इसमें हम वॉल्यूम कितना रखते हैं, 400 लीटर। आप समझे मेरी बात, 400 लीटर पर हेक्टेयर के लगभग हमारे पास वॉल्यूम यूटिलाइज हो जाता है एक हेक्टेयर में जब हम स्प्रे करते हैं किससे, हाई वॉल्यूम स्प्रे से, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, लो वॉल्यूम स्प्रे काम में लिए जा लेते हैं, तो उसमें हम 5 लीटर से 400 लीटर की रेंज तक पर हेक्टर एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं, वॉल्यूम यूटिलाइज करते हैं। फिर या हम अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे यूज में लेते हैं, या वो प्रोसेस यूज में लेते हैं जिसमें हमें सबसे कम स्प्रे करना होता है 5 लीटर पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग। ये कैसे काम करते हैं, ये काम करते हैं जब हमें हमारे पास बहुत बड़ा फील्ड हो और हमें उसमें स्प्रे करना है तो हम HVS के अकॉर्डिंग स्प्रे कर सकते हैं। ये जब हम इसको 5 से और 400 तक के लगभग की एवरेज की बात करें तो ये लगभग 100 लीटर पर हेक्टेयर के लगभग जब स्प्रे हो रहा होता है तब हम ग्राउंड लेवल पे स्प्रे करते हैं। ग्राउंड लेवल पे कहने का मतलब हम अर्थ को भी कवर करते हैं, मिट्टी पे भी स्प्रे करते हैं, तो हमारे पास एवरेज जो पड़ता है लो वॉल्यूम स्प्रे से वो 100 लीटर पर हेक्टेयर के लगभग यूटिलाइज कर लिया जाता है, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करके और क्या करें, केवल एरियल स्प्रे करें, तो एरियल स्प्रे जो होता है वो होता है 15-75 लीटर पर हेक्टेयर यूटिलाइज किया जाता है। अगर हम एरियल स्प्रे कर रहे हैं मतलब केवल और केवल क्रॉप में स्प्रे कर रहे हैं तो हमारे जो पर हेक्टेयर जो होता है वो 15-75 लीटर तक का वॉल्यूम यूटिलाइज करना होता है। अब बात करें क्या अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे जो होता है वो क्या होता है, वो प्योर इंसेक्टिसाइड काम में लिया जाता है। प्योर इंसेक्टिसाइड, इसमें कोई एडिशन नहीं होता, पानी मिक्स नहीं करते हैं, उसमें हम 5 लीटर पर हेक्टेयर का एक डोज रखते हैं, उससे स्प्रे करते हैं। तो वॉल्यूम स्प्रे जो होते हैं वो तीन टाइप्स के हैं, हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम और अल्ट्रा वॉल्यूम। इन स्प्रे से हम क्या कर सकते हैं, इन स्प्रे से हम किसी भी इंसेक्टिसाइड को स्प्रे कर सकते हैं। और जो ये जो होता है कौन सा, अल्ट्रा यूएलवीएस, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। ये हम ज्यादातर एयरक्राफ्ट से करते हैं, ठीक है। जब हमें क्या करना हो, बिना पानी के स्प्रे करना होगा और ज्यादा एफिशिएंट काम करना होगा तो हम क्या करेंगे, 5 लीटर पर हेक्टेयर के लगभग हम स्प्रे यूज में लेते हैं, वॉल्यूम यूज करते हैं। अब बात करें क्या कि जो फील्ड है उस फील्ड में इंसेक्टिसाइड तो अलग अलग प्रकार के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, तो फिर हमारे दिमाग में ये बात आती है कि पर हेक्टेयर कितना इंसेक्टिसाइड यूज लिया जाएगा या इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये कितने किलो में काम में लिया जाए, कितना लीटर यूटिलाइज किया जाए, उसके बारे में अगर बात करनी हो तो हम बात करेंगे क्या अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड की, अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड रिक्वायर्ड इन लीटर और किलोग्राम। अगर आप अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड को लीटर या किलोग्राम में मेजर करना चाहते हैं तो आप बात करेंगे कैसे, एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करेंगे। आप देखना जब भी कोई इंसेक्टिसाइड आएगा उस इंसेक्टिसाइड में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको उसमें स्ट्रेंथ लिखी हुई होती है, वो ऐसे लिखी होती है एक्टिव इंग्रेडिएंट के फॉर्म में। कैसे, वो आपको ऐसे लिख देता है 0.5 एक्टिव इंग्रेडिएंट है, 0.05 एक्टिव इंग्रेडिएंट है, परसेंट में लिख दिया जाता है कि इतना परसेंट
ये क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है। एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब है इसमें 0.5 एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब ये हो गया कि 100 में से 0.5 इसमें एक्टिव वर्क करता है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको टोटल स्प्रे जो रिक्वायर्ड है, आपको ऐसे बोल दिया जाए कि भाई मुझे एक हजार लीटर स्प्रे करना है, तो एक हजार लीटर स्प्रे करना है, तो 1000 लीटर स्प्रे के लिए आपने 1000 लीटर पानी ले लिया, 1000 लीटर आपने क्या ले लिया, वाटर रिक्वायर्ड थी जो वाटर पानी ले लिया। अब उसमें क्या मल्टीप्लाई करके देख लो आप, उस इंसेक्टिसाइड पे लिखा है एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना, स्ट्रेंथ ऑफ रिक्वायर्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, उसमें लिखा हुआ होगा, अलग अलग वेरी करेगा, 0.5 लिख दिया, 0.05 लिख दिया, 0.005 लिख दिया, ठीक है। जो ज्यादा इफेक्टिव होता है उसके इंग्रेडिएंट उतने ही कम लिखे जाते हैं, जैसे ये जो 0.5 लिखा ये पाउडर फॉर्म के लिए होता है, तो ये अगर लिखा तो ये लिक्विड फॉर्म के लिए होता है। उसके बाद आप उसमें डिवाइड क्या करते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं गिवन परसेंट स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ दे रखी है वो आपको ऐसे लिखी हुई दिखेगी, जैसे 35 EC या 50 W या WP ऐसे कुछ लिखी होती है। आप हर इंसेक्टिसाइड को देख सकते हो, वो जो भी इंसेक्टिसाइड होगा उस इंसेक्टिसाइड में ये दो कंडीशन जरूर लिखी होती है, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट लिखे हुए होते हैं और उसके साथ साथ उसमें गिवन स्ट्रेंथ की परसेंट जो होती है वो लिखी हुई होती है। आप इस फॉर्मूले को यूज लो, इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप उस इंसेक्टिसाइड का टोटल वॉल्यूम या टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, अगर मान लो सपोज करो एक फार्मर है वो फार्मर क्या कर रहा है, उसने एक इंसेक्टिसाइड लेके आया, उस इंसेक्टिसाइड में जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी उसमें लिखा था परसेंट स्ट्रेंथ जो है उसकी परसेंट लिखी थी कितनी, 50 WP लिखा था। फिर उसमें लिखा हुआ था क्या, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो था वो लिखा हुआ था, स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट लिखी हुई थी 0.05, ठीक है। आपको वो कुछ भी मिल सकती है, ऐसे लिख सकती है 35 EC लिखा हुआ मिल सकता है, तो WP है, EC है, एक मैं आपको बोल दिया वेटेबल पाउडर है, इसका मतलब पाउडर के फॉर्म में है, पेस्ट के फॉर्म में है, वो W लिखा हुआ हो और केवल P लिखा हुआ हो तो आप उसको बोलेंगे कि ये पाउडर के फॉर्म में है। इमल्सिफिएबल लिखा, EC लिखा हुआ हो तो इमल्सिफिएबल, वो आपको ये पता है कि इसमें क्या मिलाना है, वो तो मैंने आपको पुराने लेक्चर में बता दिया। अब मैं ये बता रहा हूं कि कितना ये काम में लेना होगा आपको, तो आप लिया है 5 लीटर का, ठीक है, तो 5 लीटर का आप यूटिलाइज कैसे करोगे, एक ढक्कन आप ऐसे बोलते हो एक ढक्कन ले लो, वो एक ढक्कन लेना है, दो ढक्कन लेने हैं, वो भी आपको अभी मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा वो कितना यूटिलाइज किया जा सकता है। तो आपने बात किया WP कितना लिख दिया 50, ठीक है, ये कोई इंसेक्टिसाइड आप लेके आए हुए हो, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूं मैं 1000 लीटर, आप चाहोगे उतना रख लेंगे, 1000 लीटर आपको स्प्रे करना है, ठीक है, कितना स्प्रे करना है, 1000 लीटर स्प्रे करना है, ठीक है। तो आप 1000 लीटर स्प्रे करना चाहते हो तो आपको कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल स्प्रे रिक्वायर्ड आपको 1000 लीटर आपको चाहिए, फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड वो आपको लिखा हुआ है 0.05, उसके बाद आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे क्या, गिवन परसेंट स्ट्रेंथ कितनी है 50, कितनी दे रही है 50 दे रखी है। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और क्या आंसर आएगा देखते हैं, आप इसको सॉल्व करें तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर कितना मिल रहा है आपको, कितना आया भैया 1 लीटर, कितना आया 1 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 1000 लीटर स्प्रे करना है तो 50 WP और अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट 0.05 है तो 1000 लीटर वॉल्यूम में आप 1 लीटर इंसेक्टिसाइड मिला दो, ये जो ग्रेडिएंट दिया हुआ है उसका, तो मेरी बात समझ में आई। और देखिए और बात करते हैं, और भी अगर मैं बात करूंगा तो क्या बात करूंगा, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, देखो अब मैं आपको बोल रहा हूं कि नहीं मुझे 1000 लीटर नहीं, मैं तो 500 लीटर में ही स्प्रे करना चाहता हूं, अब मुझे एक्टिव इंग्रेडिएंट दो, एक्टिव इंग्रेडिएंट मैंने दे दिया 0.2, ठीक है,
कितना दे दिया 0.2, एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको दे दिया 0.2%, ठीक है। उसके बाद आपको जो उसकी परसेंट स्ट्रेंथ दे रहा है वो आपको दे दी उसने 40 EC, ऐसे लिखा हुआ आपको दे दिया। आप अगर आप घर पे रह रहे हो तो आप घर पे कोई भी पुराना इंसेक्टिसाइड हो, उस इंसेक्टिसाइड का बॉक्स, डब्बा, रैपर उसको देखो, उसमें आपको ये दोनों चीज मिलेगी, क्या एक तो एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक ईसी, ये नहीं मिलेगी। वो मैं आपको अभी वीडियो को, इस क्लास को पूरी होने से पहले पहले बता दूंगा कि आप कितना यूटिलाइज करने वाले हो, ठीक है। अब मैं आपको बात कर रहा हूं पहले ये कि ये कितना यूज होना चाहिए। अगर मैं 500 लीटर स्प्रे करना चाहता हूं तो मुझे ये इस टाइप का ये जो इंग्रेडिएंट है, ये इंग्रेडिएंट कितने लीटर में रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, कितना किलो होगा, कितना वॉल्यूम मुझे इसका रिक्वायर्ड होगा, है ना। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं कैसे, कि मुझे जो वॉल्यूम दिया है, मुझे 500 लीटर का स्प्रे करना है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो 0.2 है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 40 है, तो आप बात करेंगे 0.2, इसका मतलब आपको कितना रिक्वायर होगा, अभी बात कर सकते हैं 5-10, आप इसको सॉल्व करके देखो कितना आएगा, 10/4, इसका मतलब 2.5 लीटर या केजी। भाई 10/4 का मतलब ये होगा ना, आपको 2.5 लीटर 2.5 लीटर विल रिक्वायर फॉर स्प्रे और 500 लीटर, 500 लीटर अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो आपको ये जो इंग्रेडिएंट है, इन इंग्रेडिएंट का 2.5 लीटर आपको रिक्वायर्ड होगा, बात समझ रहे हो। अब बात करते हैं कि अगर मान लो यही रिक्वायर्ड आपको दिख गया कि 500 लीटर में आप 1 लीटर काम में ले सकते हो, 2.5 लीटर काम में लोगे, ठीक है, तो अब आप क्या करें, अब आप ये करें, आप ये देखो मैं पर हेक्टेयर की बात कर रहा हूं, पर हेक्टेयर है ना, तो एक हेक्टेयर के लिए आपको कितना चाहिए, 2.5 लीटर, यहां देखें एक हेक्टेयर के लिए कितना चाहिए, एक हेक्टेयर के लिए कितना चाहिए, 1 लीटर, तो एक हेक्टेयर में कितने बीघा होती है, 4, इसका मतलब एक बीघा के लिए कितना चाहिए, ये वॉल्यूम जो चाहिए वो तो कितना चाहिए, 250 ml चाहिए, नहीं चाहिए, और ये जो है वो 2.5 लीटर जो आ रहा है वो कितना चाहिए, वो अगर मान लो मैं इस 2.5 लीटर को, मैं ऐसे मान लू कि आप इस 2.5 लीटर को 2.5 लीटर आंसर नहीं मान के अपन एक एवरेज लगा लेते हैं, ये मान लो 4 लीटर होता है ना, तो 4 लीटर में कितना चाहिए आपको, 4 लीटर में आपको चाहिए 1 लीटर, सही बात है, 1 लीटर अगर आपको ये रिक्वायर्ड होगा तो आप इसको सॉल्व करके बोलेंगे कि 1 लीटर, अब 1 लीटर चाहिए तो 500 लीटर में 500 लीटर में 4 लीटर मिलाओ तो एक हेक्टेयर में काम आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, तो फिर एक बीघा में कितना काम आएगा, 125 लीटर, 125 लीटर आप क्या करेंगे, 125 लीटर में 1 लीटर इंसेक्टिसाइड काम में लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे, तो 500 लीटर में आप एक लीटर काम में ले रहे हो, इसका मतलब ये हुआ, एक जो टंकी होती है आपके पास, जो स्प्रे की टंकी होती है, जो लो वॉल्यूम स्प्रे का कार्य करती है, वो एक टंकी जो होती है वो लगभग 15 से 20 लीटर की होती है, तो वो मान लो अपने 20 लीटर का मान लिया, 20 लीटर मान लिया, तो मैं अब उस पर स्प्रे करने वाला हूँ, एक बार एक टंकी का स्प्रे करूंगा तो वो मुझे 125 लीटर खर्च करना है, इसका मतलब उसे कम से कम मैं 6 बार भरूंगा, तो 6 बार भरने में मुझे ये कितना लीटर खर्च हो जाएगा, 1 लीटर, भाई 6 बार भरने में मुझे कितने लीटर खर्च हो गया, 1 लीटर, 6 बार में 1 लीटर आपने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, उसे कर दिया नहीं कर दिया, तो अब एक बार बताओ, एक बार टंकी भरनी हो मुझे तो मैं कितना लीटर खर्च करूंगा, 1 लीटर को आप क्या कर लो, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो, 1000 मिलीलीटर है, इसका 6 टुकड़े कर लो, सही है कि नहीं, तो आप क्या बोल सकते हैं, लगभग 150 ml के लगभग आप क्या करने वाले हो, 150 ml के लगभग एक टंकी में डालने वाले हो, 150 ml का मतलब, अब आप तुम्हारे पास जो ढक्कन है उसको देख लो वो कितने ml का है, 50 ml का, तो 3 ढक्कन डाल दो, सही है, 150 ml के लगभग आपको इस इनग्रेडियंट को यूज में लेना पड़ेगा। तो ये जो मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताई है, इससे रिलेटेड आपको कोई क्यूरी आ रही हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे फिर से बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, पर आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझें,
और सबको बताएं, फार्मर्स को भी बताएं वो कैसे कैलकुलेट करें, नहीं तो वो शॉप पे जाके बोलते हैं कि मैम इस कितना डालना है कितना डालना है, आप उन्हें जरूर कैलकुलेट करके बताएं भाई ये केमिकल इतना यूटिलाइज किया जाएगा। और साथ के साथ ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट करते हैं अपन, और आपसे ये रिक्वेस्ट कि चैनल आपको कैसा लग रहा है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आप जरूर जरूर कमेंट करके बताया करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सबके पास पहुंचाएं जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं एमएससी बेस पे, ZICR के बेस पे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मेरे इस चैनल के नोटिफिकेशन को टाइम टू टाइम अगर मैं अपडेट करता हूँ यहाँ से और आपके पास वो चाहिए तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, प्रेस करोगे तो आपको मेरा हर वीडियो हैंड टू हैंड अपडेट हो जाएगा, और आप उससे बार बार उस वीडियो को देखा करें जिससे आपका टॉपिक सॉलिड हो जाए। थैंक यू।